नमस्कार दोस्तों, मैं श्री भूपेन्द्र चौधरी महाविद्यालय बैंकुल से सिंह आज आप लोगों को बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत साहित्य की कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मूल रामायण श्रीमद् भागवत गीता द्वितीय अध्याय का हिंदी में अनुवाद पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। मूल रामायण श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद आपको पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए हम सर्वप्रथम श्लोक पढ़ते हैं। तपस्वाध्यायितम तपस्वी वागवीरामरम नारदं परित्यज्य वादीतं निरुपमम्। ठीक है, अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए। हिंदी अनुवाद के जाने से पहले हम संदर्भ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसका संदर्भ कैसे लिखोगे आप लोग, ठीक है। प्रस्तुत श्लोक वाल्मीकि यानी प्रस्तुत अवतरण या श्लोक वाल्मीकि रामायण से लिखा गया। प्रसंग क्या लिखोगे बच्चों? प्रसंग है आदि काव्य रामायण के लेखक ने जब रामायण की रचना की है तब उन्होंने सर्वगुण संपन्न के संबंध में श्रेष्ठ विद्वान नारद जी से जानकारी करते हुए पूछा है। क्या पूछा है? यही श्लोक पूछ रहे हैं, ठीक है। तप स्वाध्याय तपस्वी वागवीराम नारदं परिपत्य प्रच्छ वाल्मीकिं मुनि उवंगम। महर्षि वाल्मीकि नारद से पूछते हैं कि तपस्वी वाल्मीकि ये तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर संलग्न रहने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ विद्वान मुनिराज नारद से पूछा कि श्रेष्ठ काव्य के लिए श्रेष्ठ काव्य के लिए श्रेष्ठ एवं गुण संपन्न नायक की अनिवार्यता को ध्यान में रखकर वाल्मीकि ने संसार में वाल्मीकि ने पूछा कि यह संसार में कौन गुणी है, कौन धर्मी है, कौन कृतज्ञ है, कौन परोपकारी है। इस प्रकार की जिज्ञासा नेता के संबंध में प्रकट करते हुए नारद से कहा, ठीक। और दूसरा श्लोक, कौन अस्मि साम्प्रतं लोके गुणवान तस्य वीर्यवान धर्मज्ञस्य कृतस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। अब इसका अनुवाद देखिए बच्चों, ये जो अनुवाद है प्रस्तुत श्लोक वाल्मीकि रामायण से लिया गया, ठीक है। वाल्मीकि ऋषि ग्रंथ निर्माण के समय नायक नायन यानी नायक के चयन के लिए मुनि नारद से पूछते हैं कि इस रामायण का नायक कौन होगा, ठीक है। इस समय संसार में निश्चित रूप से कौन गुणवान है, कौन धर्म पर चलने वाला है, कौन उपकार को मानने वाला है, कौन उपकारी है और कौन अपने वचनों को सदा पालन करने वाला है, सदा सत्य बोलने वाला है, कौन सत्य प्रतिज्ञा करने वाला दृढ़ निश्चयी है, कौन मर्यादा पुरुषोत्तम है, ठीक। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने नायक गुणों की ओर संकेत करते हुए महाकाव्य का महाकाव्य के नायक के गुणवान शक्तिमान धर्मज्ञ नीतिज्ञ सत्यवादी और सत्य प्रतिज्ञा वाले नायक के चरित्र गुणों की विशेषता पर आ जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। चरित्रेण च को युक्त सर्वभूतेष्कोहित विद्वान कह सर्वर्थस्य कश्चित् प्रियदर्शनम्। आगे महर्षि
श्री कवि वाल्मीकि नारद जी से पूछते हैं कि वाल्मीकि जी मुनि नारद से नायक के विषय में बार बार पूछते हैं, फिर से एक बार पूछ रहे हैं कि अच्छे चरित्र वाला नायक कौन है, चरित्र चर को युक्त अच्छे चरित्र वाला नायक कौन है, सर्वभूतेषु पोहितः सभी प्राणियों में हितकारी कौन है, ऐसी कौन है जो सभी प्राणियों के हित की बात करता हो, यानी शुभचिंतक हो, हित चिंतक हो, ठीक है। विद्वान को विद्वान है, कौन विद्वान है, कौन समर्थ है, कसमर्थ से कौन समर्थ है और कौन समर्थ है, ठीक, कौन एकमात्र सुंदर है, ये रचना मतलब कौन एकमात्र सुंदर है, ठीक है। समझ में आ गया। यहां पर महर्षि कवि वाल्मीकि ने नायक को सदा सदाचारी, हितकारी, परोपकारी, विद्वान, शक्तिशाली, सुंदर होना चाहिए, इस बारे में बताया है। हलायुद्ध कोश के अनुसार चरित्रम चरितम, शीलम चरित्रम, च समम स्मृतम चरित्रम कहा गया है, अर्थात चरित्र ही सब कुछ माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि धन के चले जाने पर कुछ नहीं करता, अगर एक बार चरित्र चला गया तो उस मनुष्य का सभी सब कुछ नष्ट हो जाता है, ठीक है। धन तो एक बार चला जाता है और चला आता है, एक बार वापस चला जाता है, चला आता है, लेकिन एक बार चरित्र नष्ट हो जाता है, दोबारा वापस नहीं, ठीक है। आगे चल रहे हैं, इक्ष्वाकुवंश प्रभो रामो नाम जनैः सुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् धृतिमान् वसति। यह इस श्लोक में वाल्मीकि के द्वारा विनम्रता पूर्वक पूछे जाने पर नारद जी ने सर्वगुण संपन्न राम के विषय में, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के विषय में इस प्रकार कहा है। क्या है सर? लोगों के द्वारा सुने गए इक्ष्वाकुवंश, लोगों के द्वारा जने, लोगों के द्वारा सुने गए इक्ष्वाकुवंशीय राम रूपी नायक, राम रूपी नायक या व्यक्ति नियतात्मा महावीर्यो, नियतात्मा महावीर्यो महाबली कांत, नियतात्मा महाबली कांत यानी चमक वाले धीर पुरुष और जितेंद्रिय हैं, धीर पुरुष और जितेंद्रिय हैं, जिन्होंने अपने द्वारा सारे संसार को वश में कर लिया है, जिन्होंने सारी इंद्रियों को जीत लिया है, ठीक है, वे ऐसे जितेंद्रिय और धीर पुरुष हैं, ठीक है। यहां पर राम के नायक के गुणों का सम्यक वर्णन किया गया है कि नायक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। एक बार और देखो बच्चों, इक्ष्वाकुवंशो प्रभो रामो नाम जनैः सुतः नियतात्मा महावीर्यो धृतिमान् धृतिमान् वसति, ठीक है। लोगों के द्वारा जनैः सुतः, लोगों के द्वारा सुने गए इक्ष्वाकुवंशी राम रूपी नायक या व्यक्ति नियतात्मा महा
बलशाली कांति युक्त चमक वाले कांति युक्त धीर पुरुष और जितेंद्रिय हैं, जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है। ठीक है, यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने नायक के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डाला है कि नायक के कौन कौन से चारित्रिक गुण होने चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अच्छी बात है बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको अभी श्रीमद् भागवत गीता के द्वितीय अध्याय के मूल रामायण के हिंदी अनुवाद के बारे में जानकारी प्रदान की वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।